enter the marks of 5 subject and provide the scholarship based on given percentage marks or given percentage. Means again इस टाइप का प्रोग्राम ऑलरेडी प्रीवियस केस में सॉल्व किया था, लेकिन प्रीवियस केस इसमें स्कॉलरशिप के प्लेसेस पर प्रोवाइड किया था ग्रेड टू द स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स 90% से अब हुआ देन उस केस में ग्रेड प्रोवाइड किया था ग्रेड ए ग्रेड बी लाइक दैट. सिमिलर टाइप्स इस प्लेस पर ग्रेडेड के प्लेसेस पर प्रोवाइड क्या करना है इन प्लेस ऑफ ग्रेड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट. अगर किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90 के एबो है देन इस केस में टोटल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे 5000. अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 80 के एबो है देन 4000. सिमिलरली 3000 2000 एंड 1000. अगर किसी भी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स 40 के लेस देन है या बिलो देन उस केस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे जो 0. अगेन टोटल इस केस में वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने होंगे 5 वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन परसेंटेज स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा सेपरेट वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन स्कॉलरशिप कैलकुलेट होने के बाद स्कॉलरशिप को भी किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे इसलिए एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा लाइक है स्कॉलरशिप. तो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं समथिंग इंटीजर मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5. देन परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद असाइन कराएंगे वेरिएबल एज पी आर परसेंटेज देन स्कॉलरशिप स्टोर कराएंगे सेपरेट वेरिएबल एस सी एच. नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट वन स्कैन ऐप प्रीवियस केस में वेरिएबल्स का डेटा टाइप यूज किया जाएगा फ्लोट टाइप, लेकिन इस केस में यूज किया जा इंटीजर्सली यूज करेंगे परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी 5 टाइम्स एम परसेंट ऑफ एम वन एम परसेंट ऑफ एम टू सिमिलरली एम थ्री एम फोर एंड एम फाइव. नेक्स्ट वन उसके जस्ट बाद कैलकुलेट करना परसेंटेज. परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करेंगे परसेंटेज इज इक्वल इन टू सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम फाइव डिवाइडेड बाई 5. नेक्स्ट वन इसके बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट हुआ अप्लाई करेंगे कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90. फर्स्ट कंडीशन इफ वैल्यू ऑफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 इन इस केस में स्कॉलरशिप में असाइन कराएंगे एज अ 5000. इस केस में टोटल स्कॉलरशिप कितना प्रोवाइड करना है 5000. अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 अप्लाई करेंगे एल्स इफ कंडीशन. एल्स इफ परसेंटेज पी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 देन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप वैल्यू एज 4000. सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 इस केस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एज एस सी एच इक्वल्स टू 3000. सिमिलरली 70% का नेक्स्ट वन 60% एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इन इस केस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एज एस सी एच इक्वल्स टू 2000. नेक्स्ट वन पर इनमें से सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हैं देन नेक्स्ट केस क्या है एन अदर कंडीशन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एल्स इफ कंडीशन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40
इसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप वैल्यू साइन करेंगे 1000 लाइक दैट। नेक्स्ट वन, अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स है इस केस में प्रोवाइड करेंगे एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट परसेंटेज क्या रहा है, एल्स मीन्स लेस देन 40। इस केस में स्कॉलरशिप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 0। देन फाइनली डिस्प्ले करा लेंगे प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप वैल्यू। प्रिंट एफ यू विल गेट यू गॉट परसेंट डी एज स्कॉलरशिप देन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ एस सी एच वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप। इस टाइप से गिवन मार्क्स के बेसिस पर और गिवन लॉजिक्स के बेसिस पर किसी भी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। सपोज अगर किसी का भी परसेंटेज 85% है, देन इस केस में 85 के केस में सेटिस्फाई कौन सा कंडीशन होगा, सेकंड के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप वैल्यू एस सी एच में साइन होगा 4000। इसलिए डिस्प्ले क्या होगा, यू गॉट 4000 एज स्कॉलरशिप।